गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज जो हम अपना क्लास जो है जारी रखेंगे, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का बैच इंग्लिश मीडियम। सारे बच्चे आ जाएं, सारे बच्चे आ जाएं, क्लास जो है वो शुरू होने वाला है। सारे बच्चे आ जाएं। ऋषभ सिंह आ गया है, ठीक है, और सारे बच्चे आ जाएं। ठीक, और सारे बच्चे अपने अपने नाम, हाँ ठीक है, साक्षी भी जुड़ गई है, और बच्चे जो जो बच्चे आ गए हैं वो अपना नाम लिख करके भेज दें, ठीक है, आगे का क्लास जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, तो सभी को साउंड क्वालिटी सभी को आ रहा है, एक बार बता दो हाँ या ना, कैसा है क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है, बता दो एक बार। नो प्रॉब्लम, ठीक, चलो अच्छी बात है। सर हम लोग क्लास सिक्स 6 बजे भी रहेगा क्या? हाँ, तो क्लास ट्वेल्थ का जो फिजिक्स का भी एक बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो उसका जो टाइमिंग जो है वो 6 बजे से होगा फिजिक्स का। तो जो जो बच्चे फिजिक्स के हैं वो भी फिजिक्स में जो है उसका टाइमिंग जो रहेगा 6 बजे से, ठीक है, हम बता देते हैं 6 बजे से 7 बजे। लेकिन ये वाला जो बैच है वो डेली नहीं रहेगा, ये बैच जो है वो केवल 2 ही दिन लेंगे, ठीक है, 2-2 घंटा का 2 ही दिन रहेगा, मतलब एक सैटरडे। अभी केवल जो जब तक जो है लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस जो है। हाँ अभिषेक जायसवाल, चलो अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गया है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब क्या है कि जिस दिन, ठीक है, फिजिक्स का जो है वो नोटिस दे रहे हैं, फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स का जो टाइम है वो 6 बजे से 7 बजे तक, ठीक है, सैटरडे और संडे केवल 2 ही समय लेंगे, ठीक है, केवल 2 ही दिन इसका क्लास लेंगे। तो यहां पर जो है 6 बजे से 7 बजे तक ये सैटरडे का टाइम हो गया, सैटरडे का टाइम 6 से 7 बजे तक, और संडे का जो क्लास है, संडे का, ठीक है, संडे का क्लास जो है वो चलेगा आप लोगों का 4 बजे से, ठीक है, 4 से 6 बजे तक, 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक जो है वो फिजिक्स का टाइमिंग रहेगा। तो याद रख लेना फिजिक्स का टाइमिंग, जो जो बच्चे फिजिक्स वाले हैं, ठीक है, फिजिक्स का टाइमिंग जो है वो 6 बजे से 7 बजे सैटरडे को, और संडे का जो टाइमिंग है उसका संडे को पढ़ाएंगे कितना, 4 बजे से 6 बजे तक। तो ये रहा फिजिक्स का टाइमिंग, ठीक है, तो ये डेली नहीं रहेगा, ये केवल क्या रहेगा, 2 दिन केवल लेंगे, सैटरडे और संडे, क्योंकि अभी केवल समय का प्रॉब्लम है, सारा बैच चल रहा है, सारा लाइव भी ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए तो प्रॉब्लम की वजह से, समय का प्रॉब्लम की वजह से ऐसा है। उसके बाद जो उसको अल्टरनेट या रेगुलर कर दिया जाएगा जब ऑफलाइन चलेगा तो, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, आगे बढ़े, क्लास को आगे बढ़ाया जाए, हां लिखकर एक बार सब जवाब दे दो, क्लास को आगे बढ़ाया जाए, सभी लोग हां लिखकर एक बार जवाब दे दो। ठीक है, और लोग नहीं बढ़ाए? नो सर, चलो ठीक, चलो। तो अब जो है हम लोग कहां तक पढ़े थे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, सॉल्यूशन का चैप्टर चल रहा, कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कल एक लास्ट क्लास रहेगा, हालांकि आज ही लास्ट क्लास, देखते हैं, कोशिश करते हैं, आज खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो हम लोग है ये आइडियल नॉन आइडियल पढ़ लिए थे, सारा टॉपिक कवर हो गया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अंतिम चल रहा था, अंतिम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग ये सब सारा कर चुके थे, ठीक है, ये भी हो चुका था, डिटर्मिनेशन सारा मॉलिकुलर मास निकाल चुके थे, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बता रहे थे। हाँ, तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर का थोड़ा सा जो टॉपिक कल छूट गया था वहां के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में किसी को कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है या नहीं प्रॉब्लम है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, फिर से समझाएं या आगे हम बढ़ें? ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस फिनोमिना, और जो जो नया जुड़ा है वो बच्चे जो है वो सारा डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, जब से क्लास चल रहा है, ये 9वां दिन है लाइव क्लास का, ठीक है, तो जितना भी क्लास है सारे क्लास को जो वहां से देख सकता है,
ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस प्रोसेस जो भी बताए थे यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन करते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर अगला टॉपिक चलेगा हमारा। चलो ठीक है, तो डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब हम लोग पढ़ रखे थे। चलो ये भी हम लोग जान लिए थे कि तीन मेथड से बनता है, इसका हो गया था बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। चलो यहां पर हम लोग अब पढ़ने वाले हैं क्या है कि हम लोग कल जो यही टॉपिक स्टार्ट करे थे कि सॉल्यूशन जो है किसके बेसिस पर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर सॉल्यूशन को तीन रूप में बांटा गया है। पहले वाले को हम लोग कहते हैं क्या, पहले वाला कहलाता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला तुम्हारा आइसो, आइसो का मतलब क्या हो गया, आइसो वर्ड का मतलब हो रहा सेम, और टोनिक का मतलब हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, टोनिक का मतलब हो रहा है स्ट्रेंथ। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा दो सॉल्यूशन लेंगे अगर दोनों का स्ट्रेंथ अगर बराबर होगा, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग पढ़ रखे हैं पाई बराबर सी आर टी। मतलब अगर प्रेशर जो है वो किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दो सॉल्यूशन अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा तब हम लोग ये सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब अगर यहां पर पाई है तो पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हम लोग जाने थे क्या सी आर टी। अगर हम लोग यहां पर 1 माने हैं तो कंसंट्रेशन सी आर टी, यहां पर भी क्या होगा सी टू आर टी, ई आर टी आर टी कैंसिल, ई आर टी आर टी कैंसिल, बराबर क्या होगा सी वन बराबर सी टू। जब हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जब दोनों को हम लोग क्या करें पार्टीशन कर दिए, इस तरह सॉल्यूशन लिए हुए, इस सॉल्यूशन में हम लोग इस तरह से पार्टीशन लगा दिए सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से, या फिर एक सॉल्यूशन है किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई हम लोग सबस्टांस या कोई सेल डाले, अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर या दोनों का कंसंट्रेशन अगर बराबर होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, तब हम लोग उसको कहेंगे आइसोटोनिक। आइसो का मतलब सेम, अटोनिक का मतलब स्ट्रेंथ, यानी कि कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन अगर बराबर होगा। चलो हर्ष कौशिक भी आ गया है, ठीक है, रेगुलर रहेगा हर्ष कौशिक, बीच बीच में आता है, बीच बीच में चले जाता है, ठीक है। और आदित्य नहीं आया है अभी तक, आदित्य नहीं आया है। चलो तो ये रहा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगली बात कर रहे थे हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब हाई पर है, नाम से क्लियर हो रहा हाई पर है, ठीक है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा, दो ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर एक का हाई होगा, कॉल करता हूं। अच्छा ठीक है, अभी तक उसको पता नहीं है, सोया हुआ है। देखो क्या है, उसके बाद क्या है कि दो सॉल्यूशन जिसका क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा उसको हम लोग आइसोटोनिक कहेंगे। एक ऐसा सॉल्यूशन एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, एक का ज्यादा है, एक का कम है, मतलब एक का कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक का कम है। हम लोग ऑस्मोसिस फिनोमिना पढ़े थे कि द क्या हो गया, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू क्या, कहां से, प्योर से कहां की ओर जाएगा, सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, किसके थ्रू से, तो थ्रू एसपीएम से। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू क्या, सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, आर कॉल्ड ऑस्मोसिस फिनोमिना जाने थे हम लोग। तो यहां पर क्या हो रहा है ना कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो अभी क्या होगा, इधर से इधर की ओर मूव करेगा, इधर से इधर की ओर मूव करेगा। इसमें अगर बात करें तो यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर कम है, तो इसमें इधर से इधर की ओर मूव करेगा। तो इस सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन इसका हम बात कर सकते हैं सी टू का, ये सी टू मान लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है, ठीक है ना, इसका ज्यादा है, इसका कम है। तो इस कंडीशन पर ये वाला जो सॉल्यूशन होगा, ये वाला, इसको हम लोग कहेंगे हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। उसी तरह से यहां की बात करें, दोनों सेम है, आइसो का लगेगा। अब यहां की बात करें, यहां पर इसका कंसंट्रेशन कम है अभी, इसका, तो ये वाला कम है, मतलब क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे हाइपो, क्या कहेंगे, हाइपो। इसका भी ज्यादा है तो ये बन जाएगा हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और हमारे पास में क्या, आइसोटोनिक। तो एक ऐसा दो सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन दोनों का अगर बराबर होगा तो हम लोग कहेंगे आइसोटोनिक, एक का अगर ज्यादा होगा, जिस वाले का ज्यादा होगा उस वाले को हम लोग हाइपर कहेंगे, जिस वाले का कम होगा उसको हम लोग हाइपो कहेंगे। तो यहां तक हम लोग कल पढ़ चुके थे, इसका स्टेटमेंट भी लिख लिए थे, ठीक है, यहां तक हम वही कर रहे हैं। यहां पर क्या हो गया कि ब्लड का सेल डाल दिए हैं किसी प्योर में, किसी प्योर में जब ब्लड का सेल को डाल दिया गया, प्योर का मतलब क्या, प्योर सॉल्वेंट में,
तो एक में प्योर में डाले हैं, एक में हम लोग उसी के जैसा कंसेंट्रेशन का डाले हैं, और एक उससे कम डाले हैं। तो यहां पर जब इसको डाल देंगे ना, तो डालने के बाद क्या प्योर वाले में डाले हैं, तो प्योर वाले में डाले हैं, और यहां पर इसका ब्लड का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। ये जो ब्लड का जो सेल हम लोग डाले हैं, इसमें ब्लड का सेल का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और यहां पर क्या है वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा। तो यहां पर क्या होगा प्योर से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, इसलिए इसका साइज बढ़ गया है। और यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है कि इसका कंसेंट्रेशन अभी क्या है ज्यादा है, इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और ब्लड के सेल के अंदर जो कंसेंट्रेशन था उसका कम था। मतलब इसको प्योर मान लिए तो बाहर निकल जाएगा सारा, इसके अंदर जितना भी रहेगा और सारा बाहर निकल जाएगा। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये छोटा हो जाएगा साइज, ठीक है। इसकी बात करें यहां पर दोनों का कंसेंट्रेशन बराबर है, इसका भी कंसेंट्रेशन, इसका भी कंसेंट्रेशन बराबर है। मतलब पाई वन जो है वो पाई टू के बराबर है, तो C1 C2 के बराबर होगा, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर। मतलब क्या होगा किधर भी मूव नहीं करेगा, इसका ज्यों का त्यों शेप रह जाएगा। तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, आगे अब हम बढ़ते हैं, ठीक है। वही चीज हो गया, इसका शेप इसका बढ़ जाएगा, इसका जैसा का तैसा रहेगा, इसका शेप क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर निकल रहा है, इससे कुछ नहीं हो रहा, और इससे क्या हो रहा बाहर से अंदर जा रहा है, ठीक है। बाहर से अंदर आ रहा मतलब बाहर वाला प्योर होगा तभी ना बाहर से अंदर आ रहा, इसमें अंदर वाला प्योर होगा तभी ना बाहर से आ रहा है। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, एक बार सभी लोग हां बोल दो, आगे बढ़ जाएं। चलो आदित्य मेरा भी आ गया है, आदित्य आ गया है, ठीक है। चलो यस, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यस चलो, तो वही इसका स्टेटमेंट सारा लिख लिए थे हम लोग। क्या है आइसोटोनिक का मतलब टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सबस्टांस, दो अलग अलग सबस्टांस का सॉल्यूशन है, हैविंग सेम प्रेशर, अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा एट क्या है मेरे पास सेम टेम्परेचर पर, तो इस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। जब इस प्रकार का सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन से, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अकर नहीं होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर अकर नहीं होगा, मतलब किसी प्रकार का कोई भी ऑस्मोसिस फिनोमेना नहीं होगा, इधर से ना तो इधर जा पाएगा ना तो इधर से इधर जा पाएगा, जो सेल का मॉलिक्यूल है वही सेल का मॉलिक्यूल रह जाएगा, ठीक है। यहां पर कह सकते हैं पाई वन बराबर क्या हो जाएगा पाई टू हो जाएगा, यानी कि पाई का वैल्यू सीआरटी, इसका वैल्यू सीआरटी, यहां आरटी आरटी कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा सी1 बराबर किसका हो जाएगा सी2 के बराबर हो जाएगा, यहां तक हम लोग कल देखे थे, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते हैं, वही चीज हमारे पास में बात कर सकते हैं कि दोनों का क्या है सेम है, इसको डायग्राम से सजाया गया, ये वाला C1 है, ये वाला C2 है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है और बराबर रहेगा, ऑस्मोटिक बराबर रहेगा, ऑस्मोटिक बराबर रहेगा, मतलब किधर फ्लो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलो अब आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, यहां पर देख सकते हैं क्या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या देखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या बताएं कि एक सॉल्यूशन हमारे पास में है, ठीक है, एक सॉल्यूशन हमारे पास में, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एक सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन जब है इसमें हम लोग कोई भी लिक्विड रख दिए हैं लिक्विड रख दिए हैं, अब यहां पर लिक्विड में हमारे पास में क्या हो रहा है, कैसा रखे हैं, कोई प्योर लिक्विड रख दिया, कोई क्या रख दिया प्योर लिक्विड रख दिया। अब जैसे ही प्योर लिक्विड में कोई हम लोग क्या कोई सेल रख दिए, अब इसके अंदर का कोई भी कंसेंट्रेशन की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर क्या होगा, अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, तब ये सॉल्यूशन हम लोग लिए हैं कंटेनर में, वो सॉल्यूशन कहलाएगा हमारा हाइपरटोनिक, क्या कहलाएगा हाइपरटोनिक, और अंदर वाला हाइपोटोनिक कहला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर इसका ज्यादा दे लेंगे तो उसी का उल्टा हो जाएगा। तो यहां तक जो है कल करा दिए थे, देखो इसी के वजह से जब हम लोगों का जो टॉन्सिल बढ़ जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं सॉल्ट वाटर से, ठीक है, गार्गिल करते हैं, तो सॉल्ट वाटर से जो गार्गिल करा जाता है हम लोगों को रिलीफ मिल जाता है, टॉन्सिल जो बढ़ा हुआ रहता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है, गला में जो टॉन्सिल वगैरह बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं सॉल्ट वाटर से को डाल करके गार्गिल कर लेते हैं। तो गार्गिल करने से क्या होता है कि देखो जैसे हम लोग सॉल्ट वाटर से ना गार्गिल कर रहे हैं, तो सॉल्ट वाटर अभी क्या हमारे पास में, सॉल्ट वाटर क्या है, तो सॉल्ट वाटर एक सॉल्यूशन है, और अंदर जो वाटर जो जमा हुआ, अंदर जो वाटर उसके अंदर जो घुस गया हमारे टॉन्सिल के अंदर, तो उसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। तो वहां पर अंदर में टॉन्सिल के अंदर क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास में, क्या प्योर सॉल्वेंट, जैसे उसके अंदर सॉल्यूशन डाले और हम लोग क्या करते हैं गार्गल करते हैं वाटर करते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि अभी वहां पर ऑस्मोसिस फिनोमेना होगा, क्योंकि सॉल्यूशन है ना, वाटर का हम लोग डाले में सॉल्यूशन डाले और अंदर प्योर है, तो प्योर से क्या हो जाएगा बाहर की ओर जाएगा, प्योर से बाहर की ओर जाएगा, मतलब अंदर टॉन्सिल में जो वाटर जो अंदर जो था वो वाटर क्या होगा बाहर निकल जाएगा, और बाहर होने से हम लोग को रिलीफ मिल जाएगा। तो ये फिनोमेना वहां पर लगता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फिनोमेना वहां पर लगता है, ठीक है। तो वहां पर जो वाटर हम लोग डाले ना, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, मतलब वो कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, और अंदर जो हमारे पास में जो टॉन्सिल के अंदर जो वाटर था ना भरा हुआ, वो हाइपोटोनिक कहलाएगा। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है, हां या ना में जवाब दे दो सभी लोग एक बार, आगे बढ़े। अच्छा नो सर का मतलब हमको नहीं समझ में आया, अच्छा हाँ यस सर, ठीक चलो यस सर समझ में आ रहा है, ओ नहीं समझ में आ रहा ऋषभ,
नो सर का मतलब नहीं आया समझ में? यस ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो अब यहाँ पर ऑस्मोसिस फिनोमिना समझ में आ गया होगा, चलो सही है। अब देखो यहाँ पर हाइपरटोनिक आई है, इसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब क्या होगा ये हाइपरटोनिक कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा हाइपरटोनिक कहलाएगा। वही हमारा क्या होगा पाई वन बराबर पाई टू, इसका ज्यादा है मतलब इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है तो कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा कम होगा मतलब क्या होगा प्योर वाले से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, प्योर वाले से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। अब यहां पर वही है हमारे पास हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब वही चीज हो गया, अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इफ इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज लोअर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब जिसमें रखे हैं यहां पर जिसमें रखा गया है ना उसमें से इसका जो कंसंट्रेशन है वो अब कम है और ये ज्यादा है, देख सकता है एक दो तीन चार पांच छह यहां पर एक ही है, मतलब इसका कंसंट्रेशन अभी कम है इसका ज्यादा है, मतलब प्योर वाले से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, प्योर वाले से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। ठीक है चलो, ठीक है अब हम लोगों को आगे की चर्चा करना है रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोटिक फिनोमिना जैसा कि हम लोग जाने थे कि अगर मेरे पास दो कंटेनर है, क्या है दो कंटेनर है, अब इस दोनों कंटेनर को हम लोग एक पाइप के थ्रू से लिंक्ड कर दिए हैं और यहां पर एक हम लोग एसपीएम लगा दिए हैं, एसपीएम का मतलब हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो यहां क्या होता है कि केवल और केवल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल क्या करता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को आने देता है, सॉल्यूट को रोक देता है कि तुम नहीं जा सकता, केवल सॉल्वेंट जा सकता है इससे, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इससे क्या करेगा केवल जा सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग यहां पर ऑस्मोसिस फिनोमिना लगाएंगे, क्या लगाएंगे ऑस्मोसिस फिनोमिना यहां पर हो रहा है, मतलब एक तरफ हम लोग सॉल्वेंट डाले हैं, क्या डाले हैं सॉल्वेंट डाले हैं, मतलब क्या करे हैं प्योर सॉल्वेंट डाले हैं, क्या डाले हैं प्योर सॉल्वेंट डाले हैं, और एक तरफ हम लोग क्या रखे हुए हैं सॉल्यूशन रखे हुए, क्या रखे हैं सॉल्यूशन रखे हुए। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्योर सॉल्वेंट है और यहां पर क्या सॉल्यूशन है, तो किधर वेपर ज्यादा बनेगा जल्दी बताओ, सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा बनेगा या सॉल्वेंट की तरफ ज्यादा बनेगा जल्दी बताओ, वेपर किधर ज्यादा बनेगा सॉल्वेंट की तरफ ज्यादा बनेगा या सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा बनेगा जल्दी लिखो, वेपर किधर ज्यादा बनेगा हम सब पूछे हैं, वेपर किधर ज्यादा बनेगा सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा बनेगा या सॉल्वेंट की तरफ ज्यादा बनेगा, वेपर किधर ज्यादा बनेगा सॉल्यूशन की तरफ वेपर ज्यादा बनेगा, अच्छा सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा कैसे बनेगा ये टॉपिक तुम लोग को नहीं आया है समझ में, क्लास एब्सेंट करेगा तो कहां से समझ में आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उस वाले वीडियो को जाकर के देख लेना, डिस्क्रिप्शन में जैसे टिक करेगा लंबा लिस्ट खुल जाएगा वहां पर जाकर के देख लेना ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला टॉपिक। देखो क्या है सॉल्वेंट पर, हाँ ठीक है देखो क्या है, अगर मेरे पास चलो फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, अगर मेरे पास एक क्या है कंटेनर है, क्या है कंटेनर है, और अगर इस कंटेनर के अंदर हम लोग ले रखे हैं प्योर वाला सॉल्वेंट, क्या रखे हैं प्योर वाला सॉल्वेंट, तो प्योर वाले सॉल्वेंट की अगर हम लोग चर्चा करें तो यहां पर क्या हो रहा है केवल और केवल किसका मॉलिक्यूल है, केवल और केवल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, इसके सरफेस पर अगर हम लोग इसको वेपराइज कराते हैं इवेपोरेट कराते हैं और इसको हम लोग बंद कर दें जिससे वेपर बंद करके उड़ करके बाहर नहीं चले जाए, हीट करेंगे क्या करेंगे हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो क्या होगा इवापोरेशन होगा, और जैसा कि हम लोग जानते हैं इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, केवल सरफेस वाला मॉलिक्यूल उड़ करके क्या हो जाएगा वेपर बनते जाएगा, केवल सरफेस से जाएगा, तो पहला सरफेस वाला दूसरा सरफेस वाला तीसरा सरफेस वाला, तो इस जगह पर देखो तो सारे का सारा सरफेस में क्या हो गया सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, लेकिन जैसे ही इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है कि वो वेपर नहीं बनाएगा, वो वेपर नहीं बनाएगा, और जैसे ही हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसमें मिलाएं तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या करेगा ये जो सरफेस है उस सरफेस का स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं क्या होगा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल भी होगा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल और साथ में सॉल्यूट का मॉलिक्यूल भी होगा, ये जो ब्लैक वाला मेरा है वो ब्लैक वाला क्या है सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है, और जो ब्लू वाला लिए हैं वो क्या है वो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, तो बताओ यहां पर ज्यादा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है तो ज्यादा वेपर बनेगा, यहां पर कम सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है कम है ना, ठीक है ना कम है ना सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल तो कम वेपर बनेगा, ठीक है कम वेपर बनेगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन था तो सॉल्यूशन में वेपर कम बनेगा और इसमें वेपर ज्यादा बनेगा, किस में प्योर वाले में। ठीक है चलो अब हम बात करते हैं यहां की बात करते हैं, ये मेरा सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में कम वेपर बनेगा, सॉल्वेंट ज्यादा वेपर बनेगा,
जो सॉल्वेंट में ज्यादा वेपर बन रहा है मतलब वेपर जो है इसका ज्यादा हो रहा है, तो इधर से प्रेशर लग रहा है और इधर से प्रेशर लग रहा है, मतलब इसलिए क्या हो रहा है कि प्योर से, अभी ऑस्मोसिस का मतलब क्या, प्योर से लेकर सॉल्वेंट की तरफ, सॉरी प्योर से लेकर सॉल्यूशन की तरफ, एसपीएम से इम्परमीएबल मेम्ब्रेन के से क्या होगा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है वो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो ये फिनोमिना कहलाएगा ऑस्मोसिस। तो इस ऑस्मोसिस फिनोमिना को रोकने के लिए, इस ऑस्मोसिस फिनोमिना को, चूंकि इधर से ना प्रेशर ज्यादा है तो इधर लग रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए हम लोग यहां पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देंगे। जैसे प्रेशर जा रहा है तो ये बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, तो हम लोग इसको ऐसे दबा देंगे, दबा देंगे मतलब एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देंगे। तो जैसे ही एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाएगा तो ये वाला क्या होगा, बहना बंद हो जाएगा, बहना बंद हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी को क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगाया जा रहा है कि क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है बंद हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बंद हो जाएगा, ठीक है ना, तो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें जितना प्रेशर लग रहा था, अब जो इधर भी बराबर है, जितना प्रेशर इधर से लग रहा है उतना प्रेशर इधर से लगेगा, तभी ना बराबर होगा। लेकिन इधर हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देंगे, इधर क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर और भी दबा देंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देंगे, तो अब क्या होगा, अब इधर का जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, अब इधर का जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है इधर के मूव करना चालू करेगा, इधर से मूव करना चालू करेगा, तो क्या ये रिवर्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिवर्स में हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। When the external pressure applied, external pressure जो लगा रहे हैं, when the external pressure applied on the solution side, जो external pressure solution के side में लगा रहे हैं, वो more होगा, किससे होगा, osmotic pressure से। ये जो pressure लग रहा है, osmotic pressure लग रहा है, osmotic pressure से ज्यादा होगा, osmotic pressure जो लगा रहे हैं उससे ज्यादा अगर pressure लगाएंगे तो ये जो molecule था वो क्या हो जाएगा, अब उल्टी गंगा बहाने लगेगा, मतलब उल्टी और बहाने लगेगा, ठीक है, उल्टा, ठीक है, रिवर्स में चले जाएगा। इसी फिनोमिना को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। बोलो आया समझ में, हाँ या ना, एक बार बता दो, हाँ या ना, फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत इसमें, रिवर्स ऑस्मोसिस में। और लोग, सभी लोग जवाब दो, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो ये डायग्राम को देखो, ठीक है, यहां से देखना वही चीज है, यहां पर क्या है, एक सॉल्यूशन वाला है, ठीक है, ये सॉल्यूशन वाला है, तो क्या हो रहा है कि इधर हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिए सॉल्यूशन के साइड, जब एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जा रहा है तो केवल सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल क्या इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर बहने लगा, मतलब इसका लेवल अब इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसका लेवल का डिक्रीज कर रहा है। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर सॉल्यूशन के साइड में लगाए हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्स्ट्रा, तो इसी को हम लोग कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर रिवर्स में, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस फिनोमिना। इसको भी समझ सकता है, अगर इससे नहीं आया समझ में तो इससे भी समझ सकता है। देखो ये वाला फिनोमिना, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से प्रेशर लग रहा है, ये मेम्ब्रेन है, तो यहां का जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाते 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 किधर की ओर आ जाएगा, सॉल्यूशन की तरफ हो जाएगा। तो ये फिनोमिना को रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग कहेंगे, ठीक है। देखो इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, देखो इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, तो जो डिसैलिनेशन ऑफ वाटर होता है ना, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर का मतलब समुद्र का जो पानी है, वो समुद्र का पानी जो हमारे पास में हुआ करता है, वो समुद्र का पानी क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है। अब उससे हम लोग को फ्रेश वाटर निकालना है, यानी कि डिसैलिनेशन कराना है, तो ठीक है, उसमें जो भी सलाइन वाटर पड़ा हुआ है वो सलाइन वाटर को रिमूव करना है। तो एक तरफ हम लोग क्या कर देंगे, जो केंट वगैरह हो गया, आरओ वगैरह हो गया, वो सब क्या करता है, बस यही रिवर्स ऑस्मोसिस फिनोमिना करता है, ठीक है। तो यहां पर एक में सॉल्ट वाटर है और एक में क्या किए, फ्रेश वाटर रख दिए, एक में सॉल्ट वाटर है और एक में फ्रेश वाटर रख दिए, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर इधर लगाते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो लगाया जा रहा है जिसके वजह से रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया मतलब ये सारा जो सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो सारा इधर की ओर आना शुरू कर देता है, 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 जिसके वजह से फ्रेश वाटर जो यहां वाला था, सॉल्ट मॉलिक्यूल तो रुक गया, केवल वाटर मॉलिक्यूल इधर आ गया, लेवल बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, तो इधर फ्रेश मिल गया हम लोग को। तो इस फिनोमिना को रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर डिसैलिनेशन ऑफ वाटर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कोई प्रकार का कोई दिक्कत इसमें डिसैलिनेशन ऑफ वाटर में, हाँ या ना में एक बार सभी लोग जवाब दे दो, हाँ या ना में सभी लोग एक बार जवाब दे दो, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, प्रॉब्लम, ठीक, चलो और आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी सब लिखो, नहीं है हर्ष कौशिक को कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ऋषभ को भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और बोलो, प्योर प्योर फ्रेश हो जाता, हाँ प्योर जो वाटर है, देखो ये वाला जो है ना,
यहां से हम लोग सॉल्ट वाटर है। अब सॉल्ट वाटर हम लोग जैसे ही डाले प्रेशर लगाएंगे तो यहां का जो भी प्योर वाटर था ना वो वाटर क्या होगा इधर की ओर आ जाएगा। अब फ्रेश वाटर बन गया, वो क्या बन गया फ्रेश वाटर बन गया। प्योर का मतलब क्या, इसमें किसी प्रकार का कोई सॉल्ट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, ये कहलाएगा प्योर। ठीक है, चलो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, देखो क्या है कि अभी हम लोग जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सभी में हम लोग जो अननोन सॉल्यूट मिलाते हैं वो अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा वो हम लोग सभी का डेरिवेशन जाने, कैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है वो हम लोग सभी का डेरिवेशन जानकर निकालें। लेकिन उसका कुछ कुछ कंडीशन है कि क्या क्या होना चाहिए एक्यूरेट वैल्यू आने के लिए, एक्यूरेट वैल्यू आने के लिए क्या क्या होना चाहिए। मेरे पास यहां पर द सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलाटाइल, पहला कंडीशन ये होना चाहिए एक्यूरेट वैल्यू आने का कि जो सॉल्यूट मिला रहे हैं ना वो सॉल्यूट एकदम जरूर से जरूर नॉन वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए, मतलब वो वेपर नहीं बना सकता। अच्छा वेपर बना देगा तो कोई होगा ही नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा नहीं, वेपर बना दिया ना वो भी वेपर बना रहा है वो भी वेपर बना रहा है, मतलब क्या जो भी प्रकार का फैक्टर देखे मतलब वेपर प्रेशर में कमी आना या फिर हम लोग बात कर सकते हैं कोई भी चीज में कोई भी कमी आएगा ही नहीं, एलिवेशन पॉइंट जो भी है फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आना ये सब कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर राउल्ट लॉ भी ऑब्वे नहीं कर पाएगा ना, इसे नॉन वोलाटाइल नेचर जो हम लोगों का है वो होना चाहिए। सॉल्यूट कैसा होना चाहिए नॉन वोलाटाइल नेचर का होना चाहिए तभी जाकर के हमारा ये कंडीशन फुलफिल होगा। दूसरे की बात करें, दूसरा क्या होगा कि सॉल्यूशन हमारा डायल्यूटेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए डायल्यूटेड होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा तो ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा वेपर नहीं बना पाएगा उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ज्यादा सबसे पहला क्या होना चाहिए नॉन वोलाटाइल नेचर का होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए सॉल्यूशन जो मस्ट बी डायल्यूटेड, डायल्यूटेड होना चाहिए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में हम लोग नहीं, तीसरा जो भी हम लोग मिला रहे हैं ना वो क्या होना चाहिए कि आइदर एसोसिएशन, ठीक है, या डिसोसिएशन जो है वो सॉल्यूट का नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन और डिसोसिएशन का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई चीज हम लोग डाले हैं जो भी इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं वो इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएशन या तो डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे मानकर चलो हम लोग KCl डाल दिए, क्या डाल दिए KCl डाल दिए, तो KCl किस नेचर का है KCl एक इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर का इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे इसको पानी में डाला जाएगा तो K+ और Cl- में टूट जाएगा, क्या होगा K+ और Cl- में टूट जाएगा, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। या फिर अगर और भी चीज हम लोग अगर डालते हैं कुछ डालें उसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा या डाइमराइजेशन हो जाएगा मतलब जुड़ जाएगा, जैसे हम बात कर सकते हैं क्या 2A डालें, क्या डालें 2A, A का जो मॉलिक्यूल वो दो बार डालें, ठीक है 2A डालें तो वो क्या हो जाएगा A2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा A2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डाइमर्ज हो जाएगा या फिर पॉलीमर्ज हो जाएगा या ट्राइमर्ज हो जाएगा। हम लोग तो डालें यहां पर दो मॉलिक्यूल डालें, दो मोल डालें, लेकिन बन क्या गया एक मोल बन गया, यहां पर डालें एक मोल बन क्या गया। तो ये जो फिनोमिना हो रहा है इसको कहते हैं डिसोसिएशन, इसको क्या कहते हैं डिसोसिएशन कर रहा है, पहले वाला टूट जा रहा है डिसोसिएट हो जा रहा है तो डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए, जो डाले हैं वैसा ही जितना मोल डाले हैं उतना ही मोल उसमें सॉल्यूशन में रहेगा, ये चीज हम लोग देखते हैं। तो अगर ये सब तीनों अगर कंडीशन फुलफिल रहा तभी जाकर हम लोग मॉलिक्यूलर मासेस जो है उसका निकाल सकते हैं एक्यूरेटली। अगर नहीं होगा ना, अगर मानकर चलो कि इसको डाल दिए हैं अननोन डाले थे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना था हम लोग को, तो हम लोग को क्या हो जाएगा कि गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा क्या मतलब हो गया कि हमारे पास में कुछ ज्यादा आ जाएगा कुछ कम आ जाएगा, एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकलेगा तो हम लोग गड़बड़ा जाएंगे, इस केस में क्या करेगा। ठीक है ना, तो एक्यूरेट के लिए ये सब कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। लेकिन अगर सेकंड नंबर वाला देखो, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड, सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब क्या होगा कि हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं कि जो सॉल्यूट जो मिला रहे हैं ना उसका अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका अमाउंट बहुत कम होना चाहिए, 5% के बराबर ले सकते हैं, केवल कितना ले सकते हैं 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हम लोग अगर ले लेंगे उसका ना तो बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा कि वेपर उसका नहीं बन जाएगा, वेपर तो केवल सॉल्यूट उसके लेयर पर लग जाएगा, उसके लेयर पर केवल कौन सा रहेगा, उसके लेयर पर केवल सॉल्यूट का रहेगा। ज्यादा ले लेंगे ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया, एक्युमुलेट कर जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा तो वेपर नहीं बन पाएगा। इसलिए ये वाला कंडीशन भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़े। हाँ हाँ, अभिषेक को दिक्कत है, ठीक चलो आगे बढ़ रहे हैं।
यहां पर देखो अब हमारे पास में क्या, अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े। क्या पढ़े? चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े। एक हम लोग क्या जाने, ये वाला वैल्यू, ठीक है, एक ये वाला वैल्यू। हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग पढ़े, ठीक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पढ़े, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े। अब हम लोग यहां पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में भी जाने। तो ये जो तीनों मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर इन तीनों का फॉर्मूला को अगर गौर से ध्यान से देखा जाए, ठीक है, ध्यान से अगर हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, तो क्या हम लोगों को मिलेगा, तो हम लोगों को क्या पता चलता है, देखो यहां पर क्या है, ये वाला हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी ए बाय में क्या होगा, पी ए नॉट, वो बराबर किसका है, एक्स बी का है। और एक्स बी का मतलब क्या होता है, एक्स बी का मतलब होता है, हाँ ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर क्या, एक्स बी की बात हम लोग करें तो एक्स बी का मतलब क्या हो गया, एक्स बी का मतलब कोई बताएगा, जल्दी बताओ एक्स बी का मतलब क्या है, तुरंत, अत्यंत तुरंत, जल्दी बोलो एक्स बी का मतलब क्या है, एक्स बी का मतलब यहां पर क्या है, जल्दी थोड़ा, एक्स बी क्या है यहां पर, थोड़ा बड़ा, अच्छा थोड़ा बड़ा लिखें, अब सही है, एक्स बी क्या है यहां पर, किसका मोल फ्रैक्शन है लिख बताना पड़ेगा, सॉल्यूट का है कि सॉल्वेंट का है बताना पड़ेगा, सॉल्यूट का है कि सॉल्वेंट का है बताना पड़ेगा। अच्छा आवाज क्लियर आ रहा है ना सभी को, बी का, बी क्या है, वो तो जो लिखा हुआ बी, बी है क्या वो बताना है, सॉल्यूट का, ठीक है, बी क्या है? अगर हम लोग इसको फॉर्मूला के टर्म्स में लिखें तो क्या होगा, एन बी और बटे क्या होगा, एन ए और प्लस एन बी, चूंकि हम लोग डाइल्यूट की बात कर रहे हैं, डाइल्यूट में सॉल्यूट हमारा बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, मतलब इसको हम लोग नेगलेक्ट लेकर के चल लेंगे, ठीक है, नेगलेक्ट ले लिए चूंकि बहुत ही कम होता है, ये 100 है तो ये हम लोग मानकर चलते हैं 1 है, मानकर चलते हैं 2 है, तो 100 में से अगर एक चीज अगर माइनस ही कर देंगे ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अगर हम लोग प्लस 2 भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए हम लोग 100 ही मानकर चलते हैं, मतलब इसके वैल्यू को नेगलेक्ट कर लेते हैं, इसके वैल्यू को नेगलेक्ट कर लेते हैं, तो यहां से ये वाला वैल्यू खत्म, बचा क्या, एन बी बटे एन ए, और एन ए का मतलब क्या हो गया, एन ए का नंबर ऑफ मोल है, और नंबर ऑफ मोल मतलब क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं गिवन मास, क्या जानते हैं, गिवन मास, और बटे क्या होता है, मोलर मास, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, डब्ल्यू ए, चूंकि ए का है, ए का है, बी वाला खत्म, बचा ए का, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यही ना होगा, चलो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं एम ए, क्या होगा, लिखेंगे इसको, अच्छा इसको भी एक्सप्रेस हम लोग करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी, और बाय में क्या, डब्ल्यू ए बटे क्या, एम ए, फॉर्मूला लिख दिया, एन का फॉर्मूला था एन बी का, और ये एन ए का फॉर्मूला था, अब इसको जब अरेंज करें तो ये वाला वैल्यू यहां पहुंचा और ये वाला वैल्यू वहां पहुंचा, मतलब क्या हो जाएगा, बोलो यहां पर हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, मतलब क्या होगा, डब्ल्यू बी इंटू क्या, एम ए, और बटे में क्या, एम बी इंटू क्या, डब्ल्यू ए, यही ना, यही ना आएगा, तो यहां से क्या पता चला कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर कितना, डब्ल्यू बी इंटू एम ए बटे एम बी इंटू डब्ल्यू बी, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के, है कि नहीं है, यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है बराबर कितना के बराबर आया, इतना के बराबर आया, क्योंकि ये तो हम लोग को पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये तो कांस्टेंट ना लेकर चले हैं हम लोग, कोई भी सॉल्वेंट लिए हुए हैं तो सॉल्वेंट कांस्टेंट ना लिया हुआ है, तो मास इसका हम लोग घटा बढ़ा सक रहे हैं ना, तो ये वाला वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सभी का फॉर्मूला अगर लिखे तो सब में क्या आएगा, एम बी नीचे आवेगा, और एम बी नीचे आवेगा मतलब यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का, सभी में, यहां की भी बात करें तो ये भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बी एम, एम का अगर वैल्यू यहां पर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, एम का हम लोग अगर वैल्यू इसको लिखे तो डब्ल्यू बी बाय क्या होगा, डब्ल्यू ए इंटू एम बी,
और इनटू 100 होगा, तो यहां पर भी डब्ल्यू एम बी आया, यहां पर भी वही चीज आएगा एम बी आया, और यहां पर सी लिखे हैं, सी का मतलब क्या एन बटे बी, और एन बी का मतलब क्या होगा डब्ल्यू बी बटे क्या एम बी, तो यहां पर भी एम बी आएगा, यहां पर भी नीचे एम बी आएगा, यहां पर भी नीचे एम बी आएगा। मतलब मोटा मोटी हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों का है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसका? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम बी का। मतलब देखो यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/ एम बी। कोई दिक्कत इसमें? हाँ या ना बोल दो जल्दी से, कोई दिक्कत हाँ या ना, कौन दिक्कत है किसी को? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/ एम बी होगा, क्या दिक्कत है हर्ष? नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो सर, ठीक है, और लोग बोलो नो, ठीक है, और किसी को प्रॉब्लम? नो, और लोग, और भी अगर जो लोग जुड़ा वो भी बता सकता है, प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। इसके अलावा भी और भी लोग भी जो जुड़ा वो भी बताओ, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली किसका? तो नंबर ऑफ एम बी का। हम लोग वही चीज यहां पर है, देखो यहां पर ये, चलो अब क्या हुआ ना कि ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखते हुए अब अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। अगला टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिकुलर मासेस। क्या है एबनॉर्मल मासेस? क्या है एबनॉर्मल मॉलिकुलर मासेस? देखो एबनॉर्मल मॉलिकुलर मासेस क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़े कि हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह नहीं होना चाहिए। मतलब अगर डाल रहे हैं तो उसका डिसोसिएशन, उसका एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल देंगे तो जो परिवर्तन आएगा उस परिवर्तन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, वो जो त्रुटि आएगा, वो जो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा मोलर मास का, उसको कैसे सॉल्व करा जाएगा, उसके बारे में हम लोग जानना है। देखो तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? हमारे पास में कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर। अच्छा देखो अभी तक हम लोग पढ़ते क्या आए, अभी तक हम लोग पढ़ते आए कि मेरे पास शुगर मिला दो, यूरिया मिला दो, ग्लूकोज मिला दो, सुक्रोज मिला दो। क्या ये सब खंडन इसका होता है, इसका टूटना होता है, इसका एसोसिएशन या इसका डिसोसिएशन होता है? जितना एक मोल अगर हम लोग लिए थे ना तो एक ही मोल रहेगा, एक मोल अगर लिए हैं तो सॉल्यूशन में, देखो यहां पर वाटर था, जैसे हम लोग इसमें डाल दिए ना तो डालने के बाद जितना मोल हम लोग लिए हैं उतना ही मोल होगा, ये टूटेगा या जुटेगा नहीं। अगर एक मोल लिए हैं तो एक ही मोल रहेगा, लेकिन अगर इसके जगह पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर मिला देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोले तो KCl मिला दो, MgCl2 मिला दो, NaOH मिला दो, या KCN मिला दो, या इसी तरह से बहुत सारा जो डिसोसिएट हो सके या एसोसिएट हो सके, जो जुड़ सके या तुड़ सके। देखो यहां पर क्या है, अगर मेरे पास क्या KCl है, क्या है KCl, तो हम लोग मिलावेंगे क्या? KCl मिला दिए, वो कितना लिए हैं? अभी हम लोग बोले हम तो एक मोल मिला है, हम तो एक मोल मिला है, कितना मिला है? एक मोल मिला है। लेकिन जब इसको वाटर में डिसॉल्व मिला देंगे ना, तो मिलाने के बाद जैसा कि जानते हैं पानी में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, पानी में ये टूट जाता है, ठीक है। अब के प्लस और सीएल माइनस टूट गया, क्या हो गया? के प्लस और सीएल माइनस टूट गया। तो यहां पर हम लोग लिए थे एक मोल, K का एक मोल टूटा, एक मोल ये रहेगा और एक मोल ये रहेगा, एक मोल ये रहेगा। तो यहां पर कितना हम लोग डाले थे, एक मोल आया, कितना दो मोल आया, कितना दो मोल। और जैसा कि जान रहे हैं मोलर मास पर भी डिपेंड करता है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो मोलर मास भी क्या होगा, ये वाला इतना था घट जाएगा या बढ़ जाएगा, या फिर हम लोग मानकर चलते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग मानकर चलते हैं दूसरा अगर एग्जाम्पल ले हम लोग, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले, या फिर अगर हम लोग मानकर चलो कि ए लिया है, क्या लिया है, ए लिया है, ए कितना है, दो बार लिया है ये, ठीक है ना। ए कोई भी सबस्टांस है, वो सबस्टांस एक मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर इसको वाटर में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ए बॉन्ड ए, मतलब ये एक ही बन गया, मतलब इसका एसोसिएशन हो गया, ये जुड़ गया। तो जब जुड़ गया मतलब लिए थे दो मोल, लिए थे कितना दो मोल, और हुआ कितना एक मोल हो गया। तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक ऐसा सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जेवल केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। देखो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुआ और नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गया, मतलब क्या कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ना बदल गया। तो ये जो प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम को कैसे जो सॉल्व करा जाएगा उसकी बात अब हम लोगों को करना है। तो आगे बढ़े, यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत?
हाँ या ना में जवाब दे दो, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, यहां तक आया समझ में? जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उसमें डालेंगे तो उसका एसोसिएशन होगा, उसका डिसोसिएशन होगा, उस कंडीशन पर क्या करें हम लोग? चलो अब आगे की ओर चर्चा किया जाए। देखो उसके बाद अब हम लोग यहां पर देखते हैं, देखो मिला दिए, इस तरह से टूट गया, देखो मिलाए थे तो मिलाने के बाद क्या ये सारा था एक ही मॉलिक्यूल है, ये पूरा कंप्लीट एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन जैसे ही डाला गया तो ये तीन टुकड़ा में टूट गया, यानी कि दो टुकड़ा में टूट गया, तो डाले थे एक मोल, हो कितना गया, दो मोल हो गया ना, तो नंबर ऑफ मोल्स बदला मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी बदलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी बदलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो अब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मासेस जो हमारे पास में, मॉलिक्यूलर मासेस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, मोलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग वो जो मॉलिक्यूलर मासेस अननोन सब्सटेंस डाले जाए ना, वो अननोन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मासेस हम लोग उसका कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर क्या होगा ना कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इन दोनों के प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों के प्रोपोर्शनल होगा, तो हम लोगों को ये गलती नहीं करना है, ठीक है, कि एसोसिएशन वाला या डिसोसिएशन वाला डाल दे, अगर डल गया ऐसा एसोसिएशन वाला या डिसोसिएशन वाला पता डला गया तो उस कंडीशन पर कैसे उसको सॉर्ट आउट करा जाएगा, उसका क्या होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आया वॉन्टॉप, ठीक है, वॉन्टॉप के द्वारा एक क्या दिया गया, फॉर्मूला दिया गया, जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखो एसोसिएशन का मतलब फिर से एक बार समझा देते हैं, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, तो एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया, कुछ कुछ ऐसा सॉल्यूट हमारे पास सॉल्यूशन में पाया जाता है कि जो क्या होगा वो एसोसिएट कर जाएगा, क्या जुट जाएगा, ठीक है, एसोसिएट कर जाएगा यानी कि जुड़ जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, मोलर मास का, मोलर मास को तुम घटा देगा तो घटाने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, घटाने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, इसको बढ़ा देगा तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहां से दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास में। देखो अब क्या होगा, डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा, डिसोसिएशन करवाएंगे, एक सेकेंड चलो, यहां पर क्या हुआ ना कि मेरे पास है क्या है, एसोसिएशन करवा रहे हैं, एसोसिएशन करवा रहे हैं मतलब चलो मानकर चलते लेते सी एच थ्री सी ओ ओ एच, ये वाला लिए हुए, ठीक है, ये हम लोग दो मॉलिक्यूल लिए हुए, कितना लिए हुए, दो लिए हुए, लेकिन जब इसको वाटर में डालेंगे ना तो वाटर में डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, इसका डायमराइजेशन हो जाएगा, डायमर्ज हो जाएगा, ये दोनों मॉलिक्यूल मिल करके एक ही मॉलिक्यूल बन जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाते हुए, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसका होल ट्वाइस बन जाएगा, मतलब ये दो दो बार बन जाएगा। तो यहां पर डाले थे कितना, दो मॉलिक्यूल डाले थे, कितना डाले थे, दो मॉलिक्यूल डाले थे, दो मोल डाले थे, ठीक है ना, तो मोलर मास भी इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ रहेगा, मोलर मास भी इसका कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको डाल देंगे ना तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो मोलर मास बढ़ा मतलब क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगा, तो बदलाव आ गया क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं एसोसिएशन, जुट जाना, जुट जाएगा, क्या होगा, जुट जाएगा, एसोसिएट, इसको कहेंगे एसोसिएशन कहेंगे। उसी तरह से दूसरा में क्या होगा, डिसोसिएशन, हम लोग जो भी चीज डाले हैं ना तो डालने के बाद उसका वैल्यू टूट जाएगा, जैसे हम लोग डाले हैं KCl डाले, क्या डाले हैं, KCl डाले, या चलो MgCl2 डाले, क्या डाले हैं, MgCl2 डाले, तो यहां पर क्या होगा, MgCl2 डालने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि Mg2+ और क्या होगा Cl2Cl- में टूट जाएगा, ठीक है ना। यहां पर डाले थे कितना, एक मोल डाले थे, कितना डाले थे, एक मोल डाले थे, लेकिन हो क्या गया, एक मोल यहां पर और दो Cl है मतलब दो मोल यहां पर, तो कुल मिलाकर कितना मोल हो गया, तीन मोल हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, मतलब ये वाला वैल्यू को हम लोग बढ़ा देंगे तो ये वाला वैल्यू घट जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, घट ना गया, तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो अब इसके बाद हम लोग इसी को कैसे, परेशानी को सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर क्या है कि मॉलिक्यूलर मास जो है किसी भी सब्सटेंस का, उसको रिलेट, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करा जाता है। चलो अब वॉन्टॉप फैक्टर की चर्चा करते हैं, क्या करेंगे, वॉन्टॉप, तो वॉन्टॉप का चेहरा कल दिखाए थे, वॉन्टॉप कौन था, तो वॉन्टॉप के द्वारा क्या किया गया कि एक जो है फैक्टर, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक फॉर्मूला बताया गया, ठीक है, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, आई से, किसी से, आई, ये जो दिख रहा है ना आई, आयोटा, आई, आई कह सकते हैं इसको, आई से रिप्रेजेंट करते हैं आई, ठीक है, आई दिख रहा है पर आई, तो इस आई से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है, ये क्या बताता है कि कितना गुना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया, कितना गुना घट
कितना गुना बढ़ा, वो कितना गुना बढ़ रहा है या कितना गुना घट रहा है, वो चीज हम लोग को कैलकुलेट करना है। कितना गुना घट रहा है या कितना गुना बढ़ रहा है, वो चीज हम लोग को निकालना है। तो वन टॉप जो है 1886 में एक फैक्टर बताया, ठीक है, एक फैक्टर जिसका नाम रखा अपने नाम पर, ठीक है, जैसा कि हम लोग कुछ करते हैं अपना नाम ले लेते हैं, उसी तरह से इसके द्वारा दिया गया तो ये अपना नाम ले लिया, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर रखा, जैसे हम भी कुछ खोजेंगे तो मेरे नाम पर हो जाएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर, तो वांट ऑफ फैक्टर जो है ना, वो वांट ऑफ फैक्टर क्या बताया, तो इसमें ये बताया कि कितना गुना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा है या कितना गुना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटा है, कितना गुना मॉलिक्यूलर मास बढ़ा है, कितना गुना मॉलिक्यूलर मास घटा है, वो चीज हम लोग को बताता है कौन, वांट ऑफ फैक्टर, वो चीज हम लोग निकाल लेंगे। तो कितना गुना घटा है या कितना गुना बढ़ा है, वो चीज हम लोग निकाल लेंगे। आई का वैल्यू उसी को कहते हैं आई, कितना गुना एसोसिएट हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी इसको हम लोग कह सकते हैं, कितना एसोसिएशन का डिग्री हुआ, कितना डिसोसिएशन का डिग्री हुआ, वो चीज निकल जाएगा तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके उसको निकाला जा सकता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया गया, देखो फॉर्मूला दिया गया आई बराबर नॉर्मल मॉलिकुलर मासेस, जो उसका नॉर्मल मॉलिकुलर मासेस था, ठीक है, हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, उससे कुछ चेंजेस आया, हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और, हम लोग डाले थे KCl डाले थे, तो KCl में हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 मोल है तो 1 मोल ही होगा, ठीक है, वही नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो हमारे द्वारा एक्सपेक्ट कराया गया था। लेकिन आ गया क्या, कुछ और आया ना, कुछ और आया, चेंजेस वाला वैल्यू आया, मतलब यहां पर 2 मोल हो गया, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, तो इसी को अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कुछ बदला हुआ आया, ठीक है, उससे कुछ साधारण आया, नॉर्मल नहीं आया, कुछ परिवर्तन हो गया, तो उसी को कहते हैं अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर क्या हो गया ना कि जो चीज डाले थे 1 मोल डाले थे, आया 2 मोल आया, तो जो बदलाव हुआ मॉलिक्यूलर मास में, इसी को अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना है, ठीक है, उसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और कितना बदलाव हुआ आया, मतलब कितना ऑब्जर्व कितना करें उसको डिवाइड कर दो, वही आई का वैल्यू आ जाएगा। या दूसरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन करा रहे हैं तो उसके बाद डिसोसिएशन होने के बाद कितना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, और डिसोसिएशन होने के बाद, मतलब देखो यहाँ पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों में, ठीक है, उसके आफ्टर उसके बाद की बात करते हैं, दोनों में कितना होगा, एसोसिएशन कराओ या डिसोसिएशन कराओ, तो दोनों कराने के बाद उसका कितना टोटल नंबर ऑफ हमारे पास में पार्टिकल है, और डिवाइड कर देंगे इनिशियली कितना लिए थे। जैसे KCl हम लोग लिए, क्या लिए हैं, KCl लिए हुए, कहाँ बताएं, चलो यहाँ चीजते हैं, KCl की बात करें हम लोग, तो KCl की अगर हम लोग बात करते हैं तो KCl में क्या हो गया, K+ और Cl- लिए हुए, तो यहाँ पर डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद कितना पार्टिकल है उसका सम, और डिवाइड करना इनिशियली कितना लिए थे, इनिशियली 1 ही लिए थे ना, तो वही चीज हमारा क्या कहलाता है, आई का वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम लोग इसको कह सकते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर यही होता है, तो वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन कराने के बाद कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है उसका सम, और डिवाइड करो इनिशियली में जो लिए थे उसका कितना नंबर ऑफ पार्टिकल लिए थे उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो वैल्यू हमारा आई आ जाएगा, और वही आई जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाएगा। अगर एसोसिएशन करा रहा है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहेंगे, और डिसोसिएशन हो रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे, या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, देखो मोलर मास है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या होगा, तो उसका उल्टा ये वाला नीचे चले जाएगा, मतलब नॉर्मल वाला नीचे आ जाएगा और ऑब्जर्व वाला ऊपर चले जाएगा, मतलब ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और बाय में क्या नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास रहा आई का वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ में किसी को कोई परेशानी है बताओ, आगे फिर बढ़ेंगे, यहां तक किस आया समझ में, और लोग जिन्हीं जन अभी तक जवाब दिया है, 4 जन दिया, 1, 2, 3, 4, और लोग को दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये चीज निकाल लेंगे। देखो किसको कैसे निकाला जाएगा, इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं किस चीज के लिए, एसोसिएशन के लिए, चूंकि एसोसिएट कर रहा है एसोसिएशन के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एसोसिएशन की, देखो तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या लिए हुए, ठीक है, यहाँ पर ये चीज लिए हुए हम लोग CH3 CO3 CO2H लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि इसमें अगर हम लोग इसका मॉलिकुलर मास निकाले ना तो आएगा 60, कितना आएगा 60, ठीक है 60 आएगा, एक का, एक एसिटिक एसिड का मॉलिकुलर मास कितना होगा 60 होगा। लेकिन जब ये डाइमराइज कर गया, मतलब एक ही ना मॉलिक्यूल बन गया, कंप्लीट एक बन गया, तो कंप्लीट एक बन गया मतलब 60 एक का, और 60 कितना हो जाएगा 120 होगा। मतलब मॉलिक्यूलर मास में परिवर्तन आ गया, मॉलिक्यूलर मास बदल गया, मॉलिक्यूलर मास चेंज हो गया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल गया। तो ये जो चेंजेस कितना गुना बदला है, कितना गुना घटा है, कितना गुना चेंज हुआ, कितना गुना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, कितना गुना घट रहा है, वो चीज हम लोग निकालेंगे आई से की, ठीक है ना। तो अब इसको जब एसोसिएशन करा देंगे, एसोसिएट करा देंगे, तो क्या होगा, देखो तो मेरे पास क्या है, ये चीज वैल्यू का, ठीक है ना। तो आई का वैल्यू निकालना है, देखो आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना आई का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इससे पूछता है, साथ ही साथ जो बहुत सारा कॉम्पिटिशन वाला जो एग्जाम है, आईटी जेई वाला हो गया या फिर पीएमटी का एग्जाम हो गया, तरह तरह का, अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाओ तुम यूनिवर्सिटी का, वहां पर भी इससे क्वेश्चन रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा इसको। तो कैसे हम लोग इसका आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जब हम लोग के पास में एक मॉलिक्यूल था, ये मान कर चलते हैं एक मॉलिक्यूल था, तो एक मॉलिक्यूल से कितना दिया इनिशियली में, क्या तो इनिशियली में, इनिशियल कंडीशन पर, इनिशियल कंडीशन पर, तो इनिशियल पर, इनिशियली जब ये था 1, मतलब कभी इसका अभी तक कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हुआ था, तो जब ये 1 था तो ये 0 मान लेते हैं, मान लिए इसका जब 1 था, हालांकि है 2 से दिया है कितना 1 दिया है, तो 1 से कितना देगा वो चीज हम लोग मान के चलते हैं। देखो तो यहां पर जब 1 है माने तो कितना दिया 0 दिया, तो अब इक्विलिब्रियम में जब ये चले जाएगा तो 1 से कितना हुआ कुछ मॉलिक्यूल इसका टूटा, कितना टूटा नहीं पता, मान लेते हैं, ठीक है थोड़ा बाद, अच्छा थोड़ा बड़ा लिखें, नहीं दिख रहा, चलो अच्छा ठीक है थोड़ा बड़ा लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। देखो मान कर चलते इनिशियल में, इनिशियल में, इनिशियल, आप ठीक है, इनिशियल में, इनिशियल कंडीशन पर ये कितना मोल लिए, मान कर चलते 1 मोल है, कितना मोल है 1 मोल है, तब ये कितना टूटा, कुछ नहीं टूटा, स्क्रीनशॉट के बाद, ठीक है ये कितना है 1 है, तब इसका कितना कुछ नहीं टूटा, मतलब 0, कुछ नहीं टूटा, कितना 0। लेकिन जब कुछ टूटना चालू कर जाएगा, कुछ टूटना चालू कर जाएगा, मतलब क्या हो गया, ये मान कर चलते हैं इसमें कितना टूटा अल्फा टूटा, कितना टूटा अल्फा टूटा, कितना टूटा अल्फा टूटा, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा अल्फा बटे 2 हो जाएगा, अल्फा बटे 2 हो जाएगा। तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं ये 1/2, तो इसमें अल्फा बटे 2, चूंकि हम 1 लिए थे, यहां पर 2 है, तो 2 से देखो 2 का, जब यहां पर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है तब बना कितना 1 मॉलिक्यूल, लेकिन हम लोग लिए कितना 1 लिए हैं, तो 1 का कितना हो जाएगा 1/2 नहीं होगा, तो अल्फा टूटा तो अल्फा बटे 2 होगा, ठीक है ना। जब हम लोग यहां पर 1 लिए हुए हैं तो 1 से कितना, 1 के कंडीशन पर 0, कुछ नहीं, इनिशियल कंडीशन पे जब 1 लिए थे उस समय कुछ हो ही नहीं रहा था, टूट ही नहीं रहा था, शुरू शुरू में जैसे डालें तो शुरू में कुछ तो होगा नहीं, ना तो एसोसिएशन हो रहा ना तो डिसोसिएशन हो रहा, उस कंडीशन पर ये 0-0 रहेगा। लेकिन मानकर चले इसको अभी 1 ले लिए हम लोग, कितना लिए, ये 1 मॉलिक्यूल है, हालांकि 2, लेकिन हम लोग 1 से भी लेकर बनाएंगे, जैसे यूनिटरी मेथड हम लोग बनाते हैं। तो जब 2 था तो 2 से कितना हुआ 1 हुआ, तो हम लोग माने हैं 1, तो 1 से कितना होगा 1/2 होगा कि नहीं होगा, तो यही चीज हम लोग लेकर रखे हुए। तो इतना इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कितना हो जाएगा 1 माइनस, जब 1 में से अल्फा वैल्यू टूट गया तो यहां वाला वैल्यू कितना α/2 हो जाएगा, α/2 हो जाएगा। तो चलो अब यहां तक हो गया, अब बोला इसका टूटने के बाद या टूटने के जो भी हम लोग आई का वैल्यू जाने, तो आई का वैल्यू कितना होगा नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन हो रहा है तो एसोसिएशन वाला लिखेंगे, और डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन वाला लिखेंगे। तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, आई बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब टूटने के बाद कितना। तो ये वाला हम लोग डालें तो कितना हो जाएगा, पानी में जैसे ही डाला गया इस चीज को, तो ये जो चीज क्या हुआ एसिटिक एसिड डाला CH3COOH, तो ये कुछ एसोसिएट हो गया, डिसोसिएट हो गया, कुछ टूटा, तो ये दोनों तो इसी में है ना, तो ये वाला भी कंटेनर के अंदर ही है और ये वाला भी कंटेनर के अंदर है। तो कह रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और, तो दोनों का सम क्या लिख सकते हैं बता, कितना 1 माइनस अल्फा और प्लस कितना अल्फा बटे 2, और इनिशियली नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियल, इनिशियली कितना लिए हम लोग,
इनिशियली कितना लिए, 1 लिए, बटे 1 बटे 1। अब इसको सॉल्व करो तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 1 मतलब क्या माइनस अल्फा में प्लस करेंगे तो कितना होगा, माइनस 1 बटे अल्फा बटे 2 और बाद में 1, 1 लिखो ना लिखो बात बराबर। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो इतना आया अल्फा का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना आया। अब हम लोग जब 100% की बात करा तो 100% मान लेते हैं इसका कितना 100% डिसोल्यूशन हो रहा, तो उस कंडीशन पर 1 लेकर चलो, अल्फा का वैल्यू जब 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 बटे 2 कितना आया, 1 बटे 2, तो क्या 1 बटे 2 है, आधा मॉलिक्यूल मिला है। जब इसको अल्फा का जब चेक करना है तुमको कि हम सही किए कि गलत किए अल्फा का वैल्यू, तो उस कंडीशन पर क्या करना, अल्फा का वैल्यू 1 ले लेना और 1 लेने के बाद जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू तुम्हारा क्या ये वाला वैल्यू कितना मॉलिक्यूल्स होगा वही तुमको पता चलेगा। देखो हम लोग 2 लिए थे तो हम लोग को कितना मिला, 1 मिला, मतलब आधा टूटा आ गया। तो आया समझ में या फिर से एक्सप्लेन करें, कोई दिक्कत इसमें, जब मेरे पास 1 था तो उस समय कुछ नहीं टूटा, 0 हो गया, लेकिन जब हम लोग कुछ टूटने लगा अल्फा वैल्यू टूटा तो उसका कितना अल्फा बटे 2 होगा। क्यों अल्फा बटे 2 होगा, जब यहां पर 2 है तो 2 से कितना टूटा, 1 टूटा, तो हम 1 लिए तो 1 का कितना होगा, 1 बटे 2 होगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, ऋषभ को आया ठीक है, साक्षी को भी आ गया है, आदित्य को दिक्कत है, नो प्रॉब्लम सर, स्क्रीनशॉट लेना, हाँ स्क्रीनशॉट लेना, रुको मिटा देते हैं हम, या फिर चलो मिटाना नहीं है इसको, इसको तो लेना है, लिखना है इसको, चलो तो इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी थोड़ा करना, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो अब इसी को हम दूसरे प्रॉब्लम से समझ सकते हैं, इसी को चलो अब इसी को दूसरे प्रॉब्लम से समझते हैं। देखो यहां पर मेरे पास कुछ और है, C6H5COH, ये चीज है, इसका बोला आई का वैल्यू निकालना है, इसका आई का वैल्यू निकालना है, तो इसके आई के वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके आई के वैल्यू के लिए वही चीज करो। देखो यहां पर इसका मोलर मास कितना 144 होगा, 144 होगा, जैसे इसको हम लोग वाटर में डालेंगे तो दोनों डाइमराइज हो जाएगा और डाइमराइज होने से इसका मोलर मास कितना दोगुना हो जाएगा, तो 244 हो जाएगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा मतलब इसका मोलर मास में एक्सपेक्ट जो हम लोग कर रहे थे उससे कुछ बदलाव आ जाएगा, उससे कुछ चेंज वाला वैल्यू आएगा, तो वो जो चेंज वाला वैल्यू कैसे होगा, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, यहां पर लिए थे कितना 2 मोल लिए थे, कितना 2 मोल लिए थे, तो 2 मोल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। मानकर चलते हैं अगर 1 मोल इसको ले रहे हैं तो 1 मोल से कितना होगा, 1/2 होगा, तो अगर हम लोग इसका आई के वैल्यू निकालने की वैल्यू के लिए क्या नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये हमारा क्या कर रहा है, एसोसिएशन कर रहा है, तो जब हमारे पास में इनिशियली इनिशियल कंडीशन पर कब, तो इनिशियल कंडीशन पर जब इसका हम लोग माने हैं 1, शुरू जब कुछ नहीं था, जैसे तुरंत डालें तो तुरंत कुछ तो होगा नहीं, यानी कि जब इसका 1 है तो 1 के कंडीशन पर इसका 0, इनिशियल कंडीशन पर, जैसे तुरंत डालें तो तुरंत तो नहीं टूट जाएगा, कुछ समय लगेगा ना, तो शुरू शुरू में इसका 0 था, तो जब अल्फा टूटना चालू हुआ, जब कुछ वैल्यू टूटना चालू हुआ, कितना टूटना चालू हुआ, अल्फा वैल्यू टूटना चालू हुआ, तो अल्फा वैल्यू टूटेगा तो कितना होगा वैल्यू किसका, कितना अल्फा बाय 2, मतलब 1 में से अल्फा टूटा, 1 में से अल्फा टूटा, बचेगा कितना, आधा टूटा, आधा बचा हुआ रहेगा ना, तो आधा बटे 2 मान लिए हम लोग, ठीक है। अब बोला इसमें निकालो, अब इसका ये होगा, अब बताओ आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू क्या जानते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब ये वाला भी उसी कंटेनर के अंदर है और ये वाला भी इसी कंटेनर के अंदर है, टूटा तो आधा टूटा हुआ, आधा नहीं टूटा हुआ, दोनों कंटेनर के अंदर ही है ना, तो दोनों वैल्यू का सम, दोनों ना पार्टिकल कंटेनर के अंदर हो रहा है, मतलब 1 माइनस अल्फा और प्लस में क्या होगा अल्फा बटे 2, अल्फा बटे 2, और बाय में क्या कर सकते हैं, बाय में कितना लिए, 1 लिए हैं तो 1 ले लो इसको। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज आएगा, 1 माइनस में क्या अल्फा बटे 2 और बाय में क्या 1, 1 लिखो ना लिखो बात बराबर, तो ये रहा हमारा आई का वैल्यू। जब बोलेगा चेक करो कि हम सही करें कि नहीं करें, तो उसके लिए क्या करो, अल्फा का 1 ले लो, 1 मतलब 100% डिसोसिएशन, तो जब 100% डिसोसिएशन होगा तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, व्हेन हमारे पास में आई का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 को पुट करो तो आई बराबर कितना अल्फा माइनस 1 बटे 2, तो 1 में से आधा जाएगा तो क्या बचा, आधा बचा,
तो जब हम लोग दो लिए थे तो एक आया, मतलब दो का आधा, दो लिए थे तो एक आया, ठीक है ना। जब एक लेंगे तो आधा आएगा, तो क्या इसको फॉलो किया, मतलब एक लिए तो आधा, आधा मिला है, कितना गुना बढ़ा, आधा गुना बढ़ा, आई का वैल्यू निकल आया क्या। हाँ कोई दिक्कत, ये रहा हमारा एसोसिएशन का, डिसोसिएशन का भी देखते हैं थोड़ा सा, हम हट जाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो अब हम बात करते हैं डिसोसिएशन की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं डिसोसिएशन की। देखो डिसोसिएशन में क्या हो रहा है कि हम डाले हैं एक मॉलिक्यूल, लेकिन हो मेरा कितना गया, दो मॉलिक्यूल हो गया। हम डाले थे कितना, एक मोल डाले थे, एक मोल डाले थे, बना मेरा कितना, एक मोल के वाला प्लस और एक मोल क्या सीएल प्लस वाला, सीएल माइनस वाला। तो यहां पर डाले थे एक मोल, बन गया दो मोल, दो मोल नंबर मॉलिक्यूल बढ़ा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा, मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगा। तो कितना घटा या कितना बढ़ा वो हम लोगों को निकालना, कितना घटा या कितना बढ़ा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। चलो अच्छी बात है, तो यहां पर आई का वैल्यू निकालेंगे। देखो यहां पर था एक, यहां पर था दो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल का जानते हैं, तो ये वाला वैल्यू बढ़ गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगा। तो कितना गुना घटा या कितना गुना बढ़ा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो पहले कितना गुना घटा या बढ़ा वो आई का वैल्यू निकाल लो। चलो निकालते हैं आई का वैल्यू। चलो तो जैसा कि जान रहे, जब इनिशियली कंडीशन पर, इनिशियल कंडीशन की बात करें तो इसका 1 था, इनिशियल कंडीशन पर 1 था, तो ये वाला 0 होगा और ये वाला भी 0 होगा, मतलब शुरू शुरू में तो कुछ होना है नहीं, जैसा का वैसा, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ थोड़े समय के बाद, थोड़े समय के बाद कितना वैल्यू टूटा, अल्फा वैल्यू टूटा, तो ये वाला वैल्यू भी अल्फा होगा और ये वाला वैल्यू भी कितना होगा, अल्फा हो जाएगा। तो अब आई का वैल्यू निकालो, आई बराबर कितना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो कितना, ये वाला भी कंटेनर के अंदर ही है, ये भी कंटेनर के अंदर है, ये भी कंटेनर के अंदर है, मतलब 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बटे लिए थे कितना मोल, 1 मोल लिए थे, मतलब 1 हो जाएगा। अब वैल्यू प्लस वाला माइनस वाला कटा, 1 माइनस अल्फा बटे 1, यही आ गया इसका वैल्यू। अब बोला तुमको निकालने के लिए तो क्या करो, 1 रख दो, तो 1 माइनस 1 बटे, कुछ गलती हुआ क्या, 1 माइनस अल्फा, ठीक है, अल्फा और अल्फा यहाँ पर हो गया मेरे पास, तो अल्फा का वैल्यू है, हाँ तो ठीक है, चलो सही है। तो क्या होगा, 1 माइनस प्लस अल्फा बटे 1, 1 है ये प्लस अल्फा, तो प्लस अल्फा बटे 1। अब बोला 1 का वैल्यू क्या है, मानकर चलो 1 ले लेते हैं, 1 ले लेंगे तो क्या होगा, पाई बाय 2 होगा, पाई नहीं लिखे अल्फा लिखे, पाई क्यों होगा। चलो अब क्या 1 है, तो 1 लेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस 1 बटे 2, मतलब कितना 2 बटे 2, मतलब कितना 1, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा यहाँ 1 है ना, 1 तो कितना हो जाएगा, 2 बटे 1, मतलब क्या 2, तो 2 मिला है, 1 और 1 2 मिला है, तो हम लोग निकाल सकते हैं ऐसा। तो आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें, यहां पर भी वही चीज हम लोग लिख सकते हैं, सेम है। तो आज इतना ही रखो, अब जो एक छोटा सा क्लास रहेगा, ठीक है, तो कल जो है न्यूमेरिकल बेसिस पर क्लास रहेगा, और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हल्का सा और भी है, टॉपिक थोड़ा सा इसको बताना है, क्योंकि 5 मिनट का क्लास है, क्योंकि समय हो चुका है 10:04 हो गया, और लोग जो इंतजार कर रहे हैं सभी लोग, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रखो, कल जो है न्यूमेरिकल बताएंगे, इस टॉपिक का न्यूमेरिकल रहेगा छोटा सा, बस ये टॉपिक को डील करना है, ठीक है, 10 मिनट लगेगा और न्यूमेरिकल कल रहेगा। तो आज का क्लास इतना ही रखो, कल हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, अगला टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और फोकस करना है कि 15 दिन में जो है, जो भी लॉकडाउन चला है 15 दिन तक, 14 तारीख तक जो है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो समाप्त करेंगे, उसके बाद जो है जब क्लास ऑफलाइन चलेगा तब हम लोग जाकर के फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गया होगा, उसके बाद जो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक आज इतना ही क्लास रहेगा, तो और लोगों तक जो वीडियो को बता देना कि क्लास चल रहा है ऑनलाइन, ठीक है, सभी लोग को जोड़ सकता है इससे, और भी लोग इससे पढ़ सकता है। तो तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।